माता है जो गर्मियों में 6 महीने तो ऊपर रहती हैं, निवास करती हैं, और जो शीतकाल में जब बर्फ़ पड़ती है तो नीचे रहती हैं दिवाली से 2 दिन पहले। तो वही मंदिर आपको दिखा के ला रहे हैं, इसकी बहुत मान्यता है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और इसके बाद ले चलेंगे आपको यहाँ के प्राचीन शनिधाम। राइट लेना है ना? हाँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारी जर्नी का सेकंड डे और हम निकल रहे हैं यमुनोत्री के लिए। और यहाँ पे मौसम में थोड़ी थोड़ी ठंडक आ गई है, काफ़ी ठंडक है, गंगानगर से ज़्यादा यहाँ ठंडक है। और ये मीठी मीठी ठंड और मज़ा भी आ रहा है इसमें। और आगे आएगा ऋषिकेश। ऋषिकेश में मेरी काफ़ी फेवरेट जगह है, मैं जब भी 2-4 दिन बिताने होते हैं तो हरिद्वार के ऋषिकेश ही जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे भीड़ भाड़ भी थोड़ी कम रहती है यहाँ से, और शांति का माहौल होता है, रात को गंगा घाट में बैठे रहो। और मेरी फेवरेट जगह परमार्थ आश्रम वाली रोड, वहाँ पे काफ़ी शांति रहती है, और घाट वहाँ पे एकदम जैसे आपने होटल या कोई धर्मशाला लेते हैं, आश्रम लेते हैं ना, उस यानी सड़क पार करती घाट आ जाता है, वहाँ पर आप आराम से बैठो और
लंबा से आगे बताया गया है कि 40 किलोमीटर का पूरा रास्ता ऐसा ही है, पूरा एकदम ऑफ रोड रास्ते सारे ऐसे ही बने हुए हैं, टूटे हुए पहाड़ मिट्टी के एकदम। पहुंचे थे, जैसे ही हमें चंबा से 4-5 किलोमीटर निकले तो रोड सारी टूटी फूटी मिली सारी रोड। अब यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुई थी ऑफ रोडिंग, काफ़ी दूर मिट्टी भी है, दिक्कत भी हो रही है लेकिन मज़ा भी आ रहा है। यहाँ से 4 लेन हाईवे का काम चल रहा है 4 धाम के लिए, जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो जाना ईजी हो जाएगा, लेकिन जो ऑफ रोडिंग का जो मज़ा है ना वो ख़त्म हो जाएगा जब पहाड़ों में आते हैं। ऑफ रोडिंग नहीं की तो क्या किया, मज़ा ही नहीं आता। ऊपर वाले का शुक्र है, लगभग 150 किलोमीटर चढ़ने के बाद अब पक्की सड़क के दर्शन हुए हैं, थोड़ा बॉडी को भी रिलैक्स मिला है, वरना तो खड्डे धूल मिट्टी में पूरे के पूरे भर गए हैं पूरे बहुत ज़्यादा। और यहाँ के लोगों ने बताया कि ये पक्की रोड भी 15 किलोमीटर तक है, फिर उसके बाद दोबारा ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगी। आज खरसाली विलेज में यमुनोत्री आए थे, आज लैंडस्लाइड की वजह से हमें आगे नहीं जाने दिया, तो हमने सोचा आज खरसाली विलेज में स्टे कर लें। और ये है हमारा होटल, आओ हमारा होटल दिखाते हैं आपको। ये हमारा कोजी सा रूम, कोजी सा छोटा सा ठंडा हुआ।
इस होटल में वैसे 2000 से 2500 तक का रूम मिलता है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमें यहाँ पे 500 रुपये में आज अवेलेबल हो गया ये रूम। होटल बहुत अच्छा है, आ जाओ ऊपर दिखा के लाते हैं आपको। ये हमारे होटल का ऊपर का व्यू, और वहाँ पे चल रहा है यहाँ का देसी IPL, आगे वो आपको दिखाएंगे आगे जब हम जाएंगे आगे शनि मंदिर। और होटल का नाम तो मैं आपको बताना ही भूल गया, इस होटल का आगे हैं भाइयों मंदिर के अंदर। ये हमारे बड़े भैया बैठे हुए हैं बाबा जी के पास, आइए आपको ले चलते हैं उनके पास मिलवाते हैं। ये हमारे बाबा जी हैं श्री रामदास महंत जी, ये कम से कम 40-50 साल से यहीं पे रह रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं इस मंदिर में और यही रख रखाव करते हैं इसका। और बाबा जी अन्न नहीं खाते, फलाहार ही करते हैं। बाबा जी कितने साल हो गए इस मंदिर को? 92 आओ दोस्तों आज तुम्हें दिखाया करते हैं माता का शीतकालीन निवास जो कि यमुनोत्री में लोकल है। आज लैंडस्लाइड के कारण हम जा नहीं पाए, हम आ गए तो थे एक किलोमीटर का ट्रैक किया लेकिन आगे पुलिस वालों ने आगे जाने से मना कर दिया, वहाँ पे पहाड़ गिर रहे हैं तो वो कहते आगे रिस्क है काफ़ी। तो यहाँ पे ये वो माता है जो गर्मियों में 6 महीने तो ऊपर रहती निवास करती हैं और जो शीतकालीन जब बर्फ़ पड़ती है तो नीचे रहती हैं दिवाली से 2 दिन पहले। तो वही मंदिर आपको दिखा के ला रही है, इसकी बहुत मान्यता है, बहुत प्राचीन मंदिर है। और इसके बाद ले चलेंगे आपको यहाँ के प्राचीन शनिधाम, बहुत कम लोग इन मंदिरों में जाते हैं और आप कभी आएँ तो ये ज़रूर घूमें एक्सप्लोर करें। ये तो हम भी नहीं जाते कभी लेकिन आज हमें जाने नहीं जा दिया तो हमने सोचा आज लोकल यहाँ यमुनोत्री एक्सप्लोर कर ले। तो हमने यहाँ के लोकल लोगों से पूछा तो उन्होंने हमें ये 2 जगह बताई, आओ यह है माता का शीतकालीन निवास। ये मंदिर खरसाली विलेज में है, सर्दियों में माता यहीं रहती हैं। ये आपको आज वो दर्शन कराते हैं।
यमुना जी सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन और शनि माता जी की बहन। आप खुशी मठ गांव में आए हैं, आप बेस्ट वेलकम आप लोगों का। ये माँ यमुना मैया का शीतकालीन प्रभास है। यहाँ पे 6 महीने यमुना मैया यमुनोत्री में रहती है और 6 महीने यहाँ पे आ जाती है। जब कपाट बंदी यमुनोत्री में हो जाते तो भोग मूर्ति यहाँ आ जाती है। ये स्थान 12 महीने खुला रहेगा पर्यटक लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऐसाई लोग आते हैं जिनको तबीयत खराब होती है, नहीं जा सकते हैं यमुनोत्री में, तो माँ यमुना मैया के दर्शन यहीं पे हो जाते हैं। तो यम चिंतते कामम तामताम प्राप्नोति निश्चितम। माँ यमुना मैया तो फल देने के लिए मृत्यु लोक में आई है और आप लोगों को डोरी लगा के उतने दूर से घर से खींचकर अपने तक पहुँचा रही है। नहीं तो लॉकडाउन इस समय तो आप देख रहे हैं, देश की आर्थिक स्थिति डगमगा रखी है, सब लोग हम लोग चरमरा रखे हैं महाराज जी, तो सब माँ यमुना मैया की कृपा है, चल रहा है। बोल यमुना मैया की जय हो। ये शीतकालीन मंदिर है और इसमें शीतकाल में माँ यमुना मैया की मूर्ति भोग मूर्ति आती है, फिर यहीं पे पूजा पाठ होता है, अन्यथा ये 12 महीना खुला रहता है। ये माँ यमुना जी का मंदिर है और इधर शनि महाराज जी का मंदिर है। दो 200 साल 300 साल पुराना है, उसका कोई इतिहास नहीं है, जो पांडवों ने बनाया होगा वो मंदिर। तो यमुना जी के भाई हैं, सबसे प्रिय भाई हैं शनि महाराज जी। छाया मातंड रूपाया रवि पुत्र जनार्दना, छाया रूप से शनि महाराज जी पैदा हुए, संज्ञा से यमुना और यमराज जी, तो संज्ञा जो है उसी की छाया से शनि महाराज जी पैदा हुए। तो हाँ जी, ये खड़साली गांव का प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर है। इसका जो शिवलिंग है वो जमीन से खुद ही अवतरित हुआ है, उसके बाद यहाँ के लोकल लोगों ने इस मंदिर का निर्माण किया था। ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ का जमीन से अवतरित हुआ शिवलिंग। ये इस गांव का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। इसके इतिहास के बारे में किसी को, यहाँ के पुजारियों तक को भी नहीं पता। कहा जाता है कि ये पांडवों के टाइम का बना हुआ मंदिर है। जो इसमें शनि भगवान की मूर्ति थी वो अब नए मंदिर में शिफ्ट कर दी गई है, जो कि हमने आपको पहले दिखाया था।